आज आज देखिए हमारा मैसेज है भारत फर्स्ट। ये मोदी जी की नीति है, ये विदेश नीति है हमारी। पर अब हम उड़ीसा आए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि उड़ीसा की जनता जो है ये मोदी सरकार को बहुत बड़ी बहुमत से आशीर्वाद देगी। और हमें ये भी अपेक्षा है, आशा तो है कि यहाँ की सरकार जो है हमारे अनुकूल, कि यहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी। और यहाँ आने का मुझे अवसर मिला है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पब्लिक में कितनी उत्साह है भाजपा के बारे में। और मुझे लगता है कि यहाँ मूड जो है वो परिवर्तन, वो पब्लिक जो है चेंज चाहती है। और मुझे लगता है कि ये भी है कि पूरे देश में जो तरक्की जो हुई है, जो परिवर्तन जो हुआ है, उसका फुल एक्सप्रेशन जो है उड़ीसा के लोग भी चाहते हैं। और उड़ीसा के लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जहाँ उड़ीसा का संतान, कि जहाँ उड़ीसा की पहचान, उड़ीसा की अस्मिता जो है इस पे बल दिया जाए, और उड़ीसा जो है अपना पूरा योगदान जो है विकसित भारत की ओर दे। तो यही मेरा मैसेज है, और मैं आप सबको, दोनों को अपनी ओर से मैं ज़रूर आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज यहाँ आने का आपने निमंत्रण दिया, अवसर मिला मुझे आने का। और संबलपुर बहुत मशहूर जगह है, उसकी बहुत पहचान है, हम सब जानते हैं संबलपुरी। मेरे पास तो संबलपुरी जैकेट भी है, आपने देखा है, कभी कभी मैं संसद में पहनता हूँ। और थोड़ा धर्मेंद्र जी इसको उस समय ज़रूर मेरे ऊपर थोड़ा कहीं कमेंट करते तो हैं। तो फिर से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ आने का बहुत मुझे सर, खुशी। आगे निर्वाचन है हमारे एमपी के तहत, धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो उनको क्या विश करेंगे? भाई धर्मेंद्र जी जो हैं ये हमारे उड़ीसा के गौरव हैं, बहुत सफल मंत्री हैं, जैसे आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं कि आज एजुकेशन मिनिस्टर हैं, स्किल्स मिनिस्टर हैं, पहले पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उन्होंने संभाला है, और जो परिवर्तन जो है ये क्षेत्रों में भी बहुत आपने चेंज देखा है। सर सर उड़ीसा गवर्नमेंट के संदर्भ में क्या बोलेंगे? सर उड़ीसा गवर्नमेंट के संदर्भ में क्या बोलेंगे सर? नहीं, हमें हम देखिए हम इतना ही कहेंगे कि जो उड़ीसा में जितनी सपोर्ट केंद्र सरकार ने दी है, जैसे मैंने कहा 18 लाख, 18 लाख करोड़ दिए हैं, जो उड़ीसा के खुद रिसोर्सेस हैं, जो उड़ीसा की टैलेंट है। देखिए मैं, मेरे साथ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में मेरे साथ जो पढ़े थे उसमें उड़ीसा के बहुत छात्र थे, तो मैं यहाँ के लोगों का टैलेंट मैं जानता हूँ। इस टैलेंट, इस रिसोर्स, केंद्र सरकार की सपोर्ट से उड़ीसा को बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, वहाँ तक नहीं बढ़ा जो संभावना थी, और हमें अपेक्षा है कि वो जो आगे के समय में वो जरूर होगा।